हमारे मुमरा शहर में पहली बार क्रिकेट कोचिंग स्टार्ट हुई है, जिसके कोच खुद जावेद जैस खान है, जो कि मुंबई रणजी ट्रॉफी के बड़े खिलाड़ी है। जावेद ने रणजी द गॉड ऑफ क्रिकेट यानी सचिन तेंदुलकर के साथ खेली है। जिस वक्त और भी बड़े खिलाड़ी पिच पर उतरे हुए थे, जावेद जैस ने बीड़ा उठाया है कि यूथ को क्रिकेट से जोड़ा जाए। कोचिंग मुमरा के जेके टर्फ में ही की जाएगी। ये टर्फ ऑल सीजन टर्फ है। स्कूल और ग्रुप कोचिंग भी की जाती है। जब हॉकर जोन आपने नहीं बनाया तो आप कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? आरक्षित जगह पे बिल्डिंग बन गई, उन पे कार्रवाई नहीं हो रही। आप जो है छोटे ठेले धारक को मार के, उनको तोड़ के गरीब को आप दबा सकते हो? कोई भी कॉर्पोरेटर रोकने के लिए नहीं आया, कितनी शर्म की बात है। भिवंडी के गैबी नगर में महानगर पालिका ने हॉकर्स पर कार्रवाई की और जेसीबी से हॉकर्स की ठेला गाड़ी तोड़ दी है। इस तरह की मनपा कार्रवाई से भिवंडी की राजनीति में भी अब हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनपा कमिश्नर से इस कार्रवाई के खिलाफ मुलाकात की और इस तरह की कार्रवाई पर एतराज जताते हुए मेमोरेंडम भी दिया है। वहीं MIM पार्टी के शहर कार्य अध्यक्ष शादाब उस्मानी ने इस कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा है कि हॉकर्स पर आखिर इस तरह की कार्रवाई क्यों? शहर में हॉकर्स जोन नहीं है, आखिर इस तरह की गरीब का ठेला गाड़ी तोड़ देना कहां तक सही है? मनपा पहले हॉकर्स जोन दे, उसके बाद कार्रवाई करे। साथ ही कहा है कि कॉरपोरेशन की कुछ आरक्षित जमीनों पर भी कितनी बिल्डिंगें बन गई हैं, उस पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? अतिक्रमण के नाम पर सिर्फ हॉकर्स पर ही कार्रवाई क्यों किया जाता है, ऐसा कहना MIM के नेता शादाब उस्मानी का है। साथ ही MIM नेता शादाब उस्मानी ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो ऐसे कार्रवाई के खिलाफ आंदोलन भी करेंगे। निजामपुर शहर महानगर पालिका द्वारा जो है अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई, इसमें सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो की, जो ठेला गाड़ियों को तोड़ा गया उसकी काफ़ी निंदा की जा रही। आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? जिस तरह से देखा जाए, आप शहर की जो है लोक प्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हो, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो आज जो घटना घटी है इसको मैं घटना कहूँगा और इसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए वो कम है। आज के ऐसे हालात में पिछले 2 साल से भिवंडी शहर कोरोना वायरस की वजह से, जो महामारी की वजह से जो बेरोज़गारी के शिकार हुए हैं नौजवान, ऐसे हालात में मंदी के दौर में भिवंडी शहर में जो नौजवान खुद से रोज़गार खड़ा कर रहे, ये नेतागण ये प्रशासन जो रोज़गार प्रोवाइड नहीं कर रहा है, खुद से आत्मनिर्भर कोई अगर बना हुआ है उसको बर्बाद करने के लिए आज जो प्रशासन ने कार्रवाई की है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और इसकी निंदा करने की वजह एक ये भी है कि जिस इलाके में ये कारोबार डेवलप होते जा रहा है, जब उस इलाके के लोगों को परेशानी नहीं है तो प्रशासन को या इन नेतागण को क्या परेशानी है? लेकिन अगर अतिक्रमण की बात की जाए तो ट्रैफिक की समस्या भी वहाँ पर बढ़ती है। ट्रैफिक की समस्याओं को ध्यान में रखकर वहाँ पर कई बार महानगर पालिका को शिकायत दी है और आयुक्त के आदेश पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? ट्रैफिक को भी कहीं ना कहीं खत्म करने की बात की जाती है। देखिए, मेरा ऐसा कहना है कि जिस इलाके में ये कार्रवाई हुई है उस इलाके के मुझे नहीं लगता किसी नागरिक को कोई परेशानी है। एक बेहतरीन मार्केट वहाँ डेवलप हो चुकी है और लोगों को कोई परेशानी नहीं। मेरा ऐसा कहना है कि भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के आयुक्त, माजी के आयुक्त डॉक्टर पंकज आसिया ने, ये कोई नया प्रकरण नहीं है, माजी में भी ऐसा हो चुका है, लोगों ने विरोध किया था तो पंकज आसिया साहब ने आदेश दिया था सर्वेक्षण का कि यह हॉकर्स के लिए हॉकर जोन बनाया जाएगा। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि 96 के डेवलपमेंट प्लान के अनुसार शहर में जो जो जगह आरक्षित की गई थी, जो यहाँ के स्थानिक नगर सेवकों ने, नेताओं ने या बिल्डरों ने नगर सेवकों की सहायता से ये जो ज़मीनें कब्जे करके रखी हुई है जहाँ पर हॉकर जोन बनाया जा सकता है, तो वो जगह खाली क्यों नहीं हुई? आप बताइए कि इलाके की आबादी के अनुसार हॉकर जोन होना चाहिए। जब हॉकर जोन आपने नहीं बनाया तो आप कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? आपकी गलती है। जब वो लड़का जो कारोबारी है वो जहाँ पे अपनी दुकान लगा रहा है उससे स्थानिकों को परेशानी नहीं हो रही है, तो आप खुद भी स्वयं घोषित परेशानी क्रिएट करके आगे कार्रवाई कर लिए। ये देखिए, ये हर बार होता है, अतिक्रमण के नाम पर बड़े बिल्डर माफिया को बचाया जाता है,
अतिक्रमण तो वो कर रहा है ना जो नाजायज बिल्डिंगें बना रहा है। कॉरपोरेशन की कितनी जगह पे बिल्डिंग बन गई, आरक्षित जगह पे बिल्डिंग बन गई, उन पे कार्रवाई नहीं हो रही। एक बड़ा बिल्डर जो इलीगल बिल्डिंग बना रहा है उस पे कार्रवाई नहीं हो रही है, पैसे खा के बैठ जाते आपके अधिकारी। इंक्रोचमेंट अतिक्रमण के नाम पर आप जो है छोटे ठेले धारक को मार के उनको तोड़ के गरीब को आप दबा सकते हो, लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए। मैं इन नेताओं से कहूँगा कि आपको शर्म आनी चाहिए कि कोई भी कॉरपोरेटर वोट मांगने तो दरवाजे दरवाजे पर जाएगा, लेकिन कोई भी कॉरपोरेटर जो उस इलाके का एक भी कॉरपोरेटर को खबर नहीं गई, कोई भी कॉरपोरेटर रोकने के लिए नहीं आया, कितनी शर्म की बात है। आप इस पर क्या मतलब कदम उठाएंगे? देखा जाए आप भी किसी पार्टी के कार्याध्यक्ष भी है, तो क्या वो जो जिनका जिन गरीबों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किस तरह का मतलब आप उनके उनका किस तरह का सहयोग करेंगे आप? देखिए मेरा ऐसा कहना है कि प्रशासन ने बहुत ही गलत कदम उठाया है, इसकी हम निंदा करते हैं। माननीय म्यूनिसिपल कमिश्नर को हम कल ही लिखित में लेटर देंगे और ये लड़ाई यहाँ थमने वाली नहीं है। भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका की गलत नीतियों के खिलाफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आने वाले सप्ताह में एक प्रोटेस्ट कॉल करने वाली थी जिसकी हम रणनीति बना रहे थे, उसमें हमारे एजेंडे में ये भी अभी एक एजेंडा शामिल हो गया। जब तक भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका ये डिक्लेयर नहीं करती लिखित रूप में कि हॉकर जोन हम कहाँ कहाँ बनाएंगे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ठिया आंदोलन करने वाली है कि वह भूख हड़ताल करने वाली है।